कौन होगा भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? कौन लेगा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह? कौन होगा भाजपा संगठन के टॉप वन पोजीशन पर? क्या किसी राजस्थानी को मिलेगी कमान? सवाल कई सारे हैं जो इस वक्त राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बीच भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के कई संभावितों में राजस्थान के भी तीन नेताओं के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। इनमें पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और चौंकाने वाले नामों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम शामिल हैं। ओम माथुर भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और संगठन कौशल में माहिर माने जाते हैं। माथुर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ से लेकर कई राज्यों में पार्टी की सरकार बनवा चुके हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की राह में माथुर की 72 साल की उम्र रोड़ा बन सकती है। वहीं संभावितों में सबसे चौंकाने वाला नाम वसुंधरा राजे का भी है। दरअसल राजे पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बनी हुई हैं। अगर प्रमोशन की बात आती है तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो संगठन की टॉप पोजीशन पर उनका चयन सभी को हैरान कर सकता है। राज्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पीछे कई वजह भी गिनाई जा रही हैं, जिनमें सबसे लेटेस्ट है लोकसभा चुनाव में पांचवी बार जीते उनके बेटे दुष्यंत सिंह का कनेक्शन। दरअसल सबसे ज्यादा बार और प्रतिद्वंदी को सबसे बड़े मार्जिन से हराने के बाद संसद पहुंचे दुष्यंत सिंह को हालिया मंत्रिमंडल में ना तो कैबिनेट का और ना ही राज्य मंत्री पद का जगह नसीब हो पाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि मां को प्रमोट करके बेटे के इस गैप को पाटा जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राजे के नाम पर मुहर लगने की संभावनाओं से कहीं ज्यादा अन्य कई वजह उनके नाम पर अटकाव बन सकते हैं। इसी तरह से जयपुर में जन्मे सुनील बंसल राष्ट्रीय अध्यक्ष के संभावितों में टॉप 5 में गिने जा रहे हैं। दरअसल वे अभी राष्ट्रीय महासचिव पद पर हैं। 54 वर्ष की उम्र के साथ युवा भी हैं और सबसे बड़ी बात वे आरएसएस बैकग्राउंड से हैं। उनकी गिनती भाजपा के बेहतरीन परफॉर्मर के तौर पर होती है। हाल ही में ओडिशा और तेलंगाना का प्रभारी रहते हुए भाजपा ने दोनों राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया। इससे पहले उनके उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री रहते हुए पार्टी ने वर्ष 2014, 2017, 2019 और 2022 का चुनाव जीता था। बहरहाल राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले इन तीन नेताओं के अलावा संभावितों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, जिसमें कई सीनियर नेताओं के नाम शामिल हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में कौन सबसे आगे रहता है।